हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा एकेडमी AY एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो क्लास 9th MP बोर्ड का जो 16th लेसन है JC बोस, उसको यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि JC बोस हैं और इनका जो पूरा नाम है वो है जगदीश चंद्र बोस, जो एक वैज्ञानिक हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, ए लिटिल बॉय वॉज एडमिटेड टू सेंट जेवियर्स स्कूल इन कलकत्ता। एक छोटा बच्चा जिसका एडमिशन सेंट जेवियर स्कूल में कराया गया था, जो कोलकाता में था ना, लेकिन अब जो कोलकाता कहा जाता है, पहले कलकत्ता था। द बॉयज एट द स्कूल, लड़के एट द स्कूल में वर मच अम्यूज्ड, यह जानकर बड़े आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे, टू हैव इन देयर कंपनी ए न्यू बॉय, कि उनके साथ में एक नया लड़का आया है, हु कुड हार्डली कन्वर्स इन इंग्लिश, जो बड़ी मुश्किल से इंग्लिश में बात कर पाता है। वन डे, एक दिन, व्हेन द अदर बॉयज वर मेकिंग फन ऑफ दिस न्यू बॉय, एक दिन जब दूसरे लड़के इस नए लड़के के साथ में मजाक कर रहे थे, ही सडनली जम्प्ड एट वन ऑफ हिज अटैकर्स, तभी वह अचानक उन आक्रमणकारियों पर झपटे एंड सरप्राइजिंगली एमर्ज्ड, और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से एक बहादुर बालक के रूप में प्रकट हुए। एमर्ज मीन्स होता है प्रकट हो जाना अचानक, सरप्राइजिंगली मीन्स होता है आश्चर्य रूप से, अटैकर्स मीन्स होता है आक्रमण करने वाले, और जंप माने कूदना। आगे देखिए, एंड वन द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन ऑफ द अदर बॉयज, और उसने अन्य जो बच्चे थे वहाँ पर, अन्य जो लड़के थे उनका आदर और प्रशंसा को जीता, आदर और प्रशंसा के हकदार हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे देखिए, दिस बॉय लर्नड ए ग्रेट लेसन दैट डे, इस लड़के ने उस दिन एक बड़ा ही अध्याय सीखा, एक अच्छा लेसन सीखा। सक्सेस डजंट फॉल इनटू वन्स लैप, कि सफलता कभी भी आपकी गोद में नहीं आती है। इट इज़ टू बी अर्नड थ्रू ग्रेट पेंस एंड स्ट्रगल, इसे बड़े ही कष्टों और संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दिस बॉय वॉज जगदीश चंद्र बोस, यह लड़का जगदीश चंद्र बोस था, हु वॉज बॉर्न ऑन द 13th ऑफ नवम्बर 1858, जो 30 नवंबर 1858 को जिनका जन्म हुआ था, इन फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ढाका नाउ इन बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश में है। थिंग्स अराउंड हिम मेड हिम क्यूरियस, उनके चारों तरफ जो चीज़ें थी, थिंग्स अराउंड हिम मेड हिम क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, उसको उत्सुक बना रही थी, उनके चारों तरफ जो चीज़ें थी उसको उत्सुक बना रही थी। व्हाई डज द विंड ब्लो, जैसे कि हवा क्यों चलती है। व्हाई डज द वाटर फ्लो, पानी क्यों बहता है। व्हाई आर प्लांट्स ग्रीन, पौधे हरे क्यों होते हैं। ETC इत्यादि वर द क्वेश्चंस दैट ऑफन स्टक इन हिज माइंड, ये इस तरह के कुछ सवाल थे जो उनके दिमाग में हमेशा खटकते रहते थे, हमेशा आते रहते थे। सीइंग दिस क्यूरियोसिटी, सीइंग मीन्स होता है देखकर, हिज क्यूरियोसिटी उत्सुकता, उसकी उत्सुकता को देखकर हिज फादर, उनके पिता ने भगवान चंद्र बोस, जिनका नाम भगवान चंद्र बोस था, एडमिटेड हिम टू द सेंट जेवियर्स कलकत्ता एट द एज ऑफ 9। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन करवा दिया। लेटर ही एमर्ज्ड एज ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, लेकिन बाद में वे एक महान भारतीय वैज्ञानिक के रूप में प्रकट हुए या जाने गए। एमर्ज मीन्स होता है प्रकट होना या जाने जाना। आगे देखिए, इट वॉज द 10th of May 1901, 10 मई 1901 का दिन था, एंड सम इमिनेंट साइंटिस्ट, इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैड गैदर्ड, इकट्ठे हुए थे इन द ग्रेट हॉल ऑफ द रॉयल सोसाइटी, राजसी समुदाय के बीच लंदन में एक बड़े हॉल में,
दुनिया भर के कुछ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे। जगदीश चंद्र बोस वॉज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स लाइक वी हैव। जगदीश चंद्र बसु को भी वहाँ पर अपना प्रदर्शन करना था, प्रदर्शन करने के लिए जाना था। दैट कि प्लांट्स पौधों हैव फीलिंग्स, पौधों में भी एहसास करने की क्षमता होती है, लाइक वी हैव, जैसा हम लोग एहसास करते हैं। ही क्लेम्ड दैट प्लांट्स कैन फील पेन। जगदीश चंद्र बोस ने दावा किया, क्लेम्ड मींस होता दावा करना, दैट प्लांट्स कैन फील पेन, कि पौधों को भी दर्द महसूस होता है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट प्रेजेंट कुड नॉट बिलीव इट। अधिकांश वहाँ पर जो वैज्ञानिक थे वो इनके इस विचार पर विश्वास नहीं करते थे। एज दे हैड डाउट्स, क्योंकि बहुत सारे संदेह थे उनके मन में, शंकाएं थी। बोस वॉज एडामंट, बोस वॉज एडामंट, एडामंट मीन्स होता है डटे रहना, अडिग रहना। बोस वॉज एडामंट अबाउट इट, लेकिन जो जगदीश चंद्र बोस थे वो इसमें डटे रहे, अडिग रहे। सो इसलिए ही इंजेक्टेड ए पॉइजन इनटू ए प्लांट, उन्होंने एक पौधे में एक जहर को इंजेक्ट किया, इंजेक्शन के माध्यम से जहर डाला एक पौधे में। अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम, उनके दावे के अनुसार द प्लांट वुड सून शो साइंस ऑफ डेथ, पौधे पर यह संकेत, मृत्यु का संकेत दिखाई देना था जल्द ही। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। हाउएवर, किसी भी तरह से बॉस कामली अनाउंस्ड, जगदीश चंद्र बोस ने शांतिपूर्वक घोषणा करी कि द पॉइजन हैज फेल टू अफेक्ट द प्लांट, कि जो जहर है वो प्लांट पौधे पर प्रभाव डालने में असफल रहा है। सो आई बिलीव इट, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, वुड नॉट हर्ट मी आइदर, कि मुझ पर भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, मुझे भी कोई नुकसान नहीं करेगा। एज द ऑडियंस लुक्ड ऑन इन हॉरर, सभा में जो लोग थे वो बड़े ही हॉरर मीन्स डरे हुए देख रहे थे। ही इंजेक्टेड द पॉइजन इन टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को वो जो जहर था उसका इंजेक्शन खुद लगा लिया। सडनली ए मैन अपीयर, तभी एक व्यक्ति वहाँ पर प्रकट हुआ। अपीयर्ड का मतलब आना है, प्रकट होना। अगले हम पेज में चलते हैं। द सीन एंड कन्फेस्ड दैट ही हैड रिप्लेस्ड द पॉइजन विद सिमिलर कलर वाटर, कलर्ड वाटर। और वह एक व्यक्ति वहाँ पर प्रकट हुआ और कन्फेस्ड, और उसने बताया, कन्फेस्ड का मतलब होता है जानकारी देना, दैट ही हैड रिप्लेस्ड द पॉइजन, कि उसने जहर को रिप्लेस कर दिया था, बदल दिया था उसी तरह के दिखने वाले, उसी कलर के पानी का जो दूसरा बाटल रखी हुई थी उससे। बॉस रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विथ रियल पॉइजन, तब जगदीश चंद्र बोस ने जो वास्तविक जहर था उसके साथ में अपने प्रयोग को दोबारा से किया। दिस टाइम द प्लांट्स पल्स बीट शोड मूवमेंट ऑन द स्क्रीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तभी दिस टाइम, इस बार द प्लांट्स पल्स, प्लांट्स की, पौधे की जो धड़कनें थी, बीट थी, शोड मूवमेंट, उनमें हरकत दिखाई दी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस लगाई गई थी जिसमें पौधे की धड़कनों को मापा जा सकता है। एंड इट अल्टीमेटली डाइड, और वह अंततः पौधा था वो मर गया। हाउएवर, किसी भी तरह से द रॉयल सोसाइटी वॉज नॉट कन्विंस्ड, जो राजसी समुदाय था वो किसी भी तरह से इसको मारने से उसने इंकार कर दिया, सहमत नहीं हुआ। एंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिजल्ट, और इसके जो परिणाम आए थे उनको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। बट बॉस वुड नॉट गिव अप इजीली, लेकिन जगदीश चंद्र बोस इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। बट बॉस वुड नॉट गिव अप इजीली का मतलब होगा कि जगदीश चंद्र बोस आसानी से मानने वाले नहीं थे। सो ही टुक अप द चैलेंज, इसलिए उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, चैलेंज में सोच चुनौती। एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ रिगोरस रिसर्च, और रिगोरस में होता है सतत और कठिन परिश्रम से अनुसंधान में, वर्षों के पश्चात ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल प्रकाशित किया, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव की प्रतिक्रियाएं, जिसका टॉपिक था कि जीवित और निर्जीव में प्रतिक्रियाएं या चीज़ों की प्रतिक्रियाएं। दिस आर्टिकल कन्विंस्ड द रॉयल सोसाइटी, इस आर्टिकल ने जो रॉयल राजसी समुदाय था उनको
कन्विंस्ड करने में उनकी मदद करी, और जो राशि समुदाय था वो उनके इस विचार से, उनका जो रिसर्च था उससे सहमत हो गए। कॉन्सिक्वेंटली तभी बॉस वॉज अवार्डेड द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी इन 1920। 1920 में रॉयल सोसाइटी की ओर से जगदीश चंद्र बोस को फेलोशिप छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। ऑल्दो यद्यपि मोर फेमस एज ए बायोलॉजिस्ट, यद्यपि जो जगदीश चंद्र बोस थे वो जीव वैज्ञानिक के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बोस वॉज ए ग्रेट फिजिसिस्ट एज वेल, यद्यपि बोस एक महान भौतिकविद भी थे, भौतिकविद के रूप में भी जाने जाते थे। ही कैन राइटली बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, ही कैन उन्हें बेतार टेलीग्राफी के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता था। दो, यद्यपि मार्कोनी इन्वेंटेड द वायरलेस, मार्कोनी ने बेतार का अन्वेषण किया था, बोस हैड ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड, लेकिन बोस पहले ही इसका प्रदर्शन कर चुके थे, इट्स फंक्शनिंग इन पब्लिक इन द ईयर 1895, 1895 में सार्वजनिक रूप से इनके कार्यों पर ये कैसे काम करता है इसका प्रदर्शन कर चुके थे। ए ईयर बिफोर मार्कोनीज पेटेंट फॉर द टेलीग्राफ, एक वर्ष के पहले ही मार्कोनी ने इसे टेलीग्राफ को अपने पेटेंट करवाया था। दिस इम्प्रेस्ड द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, इससे जो इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी थी, जो राशि समुदाय था, वो इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ, एंड ही वॉज ऑनर्ड विद द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस, और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस, विज्ञान के डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनफैक्ट तथ्य रूप में बोस वॉज ए पायनियर इन मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, जगदीश चंद्र बोस मल्टीमीडिया संप्रेषण के अग्रदूत थे, इकलौते अग्रदूत थे। पायनियर मीन्स होता है अग्रदूत, मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसे कई तरीके से माध्यमों से संप्रेषण किया जा सके, यानी कम्युनिकेशन किया जा सके। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संप्रेषण, एक अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। ही वॉज द फर्स्ट टू फैब्रिकेट द डिवाइस, वे एक पहले व्यक्ति थे हैव टू फैब्रिकेट डिवाइस, इस तरह की डिवाइस बनाने वाले, दैट जनरेटेड रेडियो वेवलेंथ, जो रेडियो तरंगों को नाप सक पैदा कर सकते थे, जनरेटेड मीन्स होता है पैदा करना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ बोस ग्रेटनेस इज रिवील्ड, दूसरा जो जगदीश चंद्र बोस की महानता का उदाहरण है वह है इज रिवील्ड इन द इन्वेंशन ऑफ रडार, रडार की खोज और वह कैसे काम करता है इसके बारे में जो रहस्य था उसको रिवील करना था। रिवील का मतलब होता है उजागर करना। बोस वर्कड आउट सम डिटेल्स ऑफ वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस विच आर यूज इन द वर्किंग ऑफ द रडार, बोस का यह जो काम था उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी दी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, खासकर रडार किस तरह से काम करता है। जगदीश चंद्र बोस वॉज ए परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जगदीश चंद्र बोस का दुनिया के विज्ञान में एक परमानेंट स्थान है, स्पेशली इन बॉटनी, खासकर वनस्पति विज्ञान में। आगे देखिए, ही बिगेन द एज ऑफ मॉडर्न साइंस, उन्होंने आधुनिक विज्ञान की शुरुआत करी इन इंडिया, खासकर भारत में, एंड ऑब्जर्व्स ऑनर फॉर दिस, और इसके लिए डिजर्व्स ऑनर फॉर दिस, इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, वो सम्मान के हकदार भी थे। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वे एक महान वैज्ञानिक थे, सो हु सेल्फलेसली डेडिकेटेड हिज फाइंडिंग्स टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ साइंस, और इसलिए उन्होंने निस्वार्थ पूर्ण तरीके से उनकी जो फाइंडिंग्स जो भी उन्होंने अर्जन किया हुआ था वह सब कुछ समर्पित कर दिया विज्ञान के विकास के लिए। एन इन्वेंटर कैन मेक लैक्स ऑफ रुपीज बाई जस्ट वन और टू इन्वेंशंस, एक खोजकर्ता एक या दो अपनी खोजों के माध्यम से लाखों रुपए बना सकता है। बोस हैज इन्वेंटेड मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, यद्यपि बोस ने बहुत सारी चीज़ों, बहुत से जो डिवाइसेस थे, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स उपकरणों की खोज करी थी, दे हैव सिंस बीन यूज बाई ए मैनी इंडस्ट्रीज, जिनका उपयोग बहुत सारे उद्योगों में किया जा सकता था। व्हेन ही वॉज ऑफर्ड मनी फॉर दिस ही डिड नॉट एक्सेप्टेड, व्हेन माने जब, ही वॉज ऑफर्ड मनी, इसके लिए उन्हें धन ऑफर किया गया, फॉर दिस इन सब कामों के लिए, ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। ही फेल्ट दैट, उन्होंने
महसूस किया, उन्होंने बताया दैट नॉलेज वॉज नॉट एनी बॉडीज पर्सनल प्रॉपर्टी, कि नॉलेज किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ही परमिटेड एनी वन, उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी हर किसी को टू यूज द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, क्योंकि उनके कार्य का जो फल है हर कोई उपयोग कर सके, और उन्होंने जितना भी जो कुछ किया था वह सभी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए छोड़ दिया। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये है जगदीश चंद्र बोस, और जिन्हें काफ़ी लोग जानते हैं उनके काम से, खासकर बॉटनी सब्जेक्ट के मामले में। तो ये मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेसन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और छोटा सा लेसन है। और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके लिखिए और हम आपका जवाब जरूर देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने मित्रों, यदि आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी सूचित करें इस चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।